हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजटेक वीडियो। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आधार कार्ड से फ़ोन पे कैसे चलाएं। इससे पहले अगर आप नए हो तो हमारी यूट्यूब चैनल राजटेक वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर जो आप बैंक में नंबर दिए हैं उस नंबर को यहाँ इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद सिंपली नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ परमिशन मांग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन वाइल यूजिंग द ऐप, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ऊपर लेफ्ट साइड प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कर देंगे, अब इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा पंजाब नेशनल बैंक है तो सिंपली हम पंजाब नेशनल बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद इस तरह से हमारा अकाउंट को फेच कर लिया गया है। सिंपली एडिट करना चाहते हैं तो आप यहां से UPI एडिट कर सकते हैं। सिंपली हम नीचे प्रोसीड टू ऐड पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद सेट UPI पिन, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं सेट UPI पिन यूजिंग, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख जाते हैं, फर्स्ट आधार नंबर लिंकड विथ बैंक, सेकेंड ATM डेबिट कार्ड। यहाँ पर एक बात याद रखना, बहुत सारे बैंक आधार कार्ड वाला फीचर अभी लॉन्च नहीं किए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से बैंक में हम आधार कार्ड से फ़ोन पे चला सकते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड वाले ऑप्शन को टिक रहने दें और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ वेरीफाई आधार नंबर, यहाँ अपना आधार कार्ड का शुरू का 6 अंक यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद सिंपली नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद बैंक के तरफ से OTP आएगा, वो OTP यहाँ फिलअप करेंगे। इसके बाद राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा UPI पिन बनाने का ऑप्शन आ गया तो सिंपली हम यहाँ अपना 6 डिजिट UPI पिन क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद कंफर्म UPI पिन, उसी UPI पिन को यहाँ इंटर करके नीचे राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे। आपका UPI पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। अब यहाँ से आप अपना फ़ोन पे का बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र, मोबाइल रिचार्ज सारे काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।